के इश्क में ससुर हुआ अंधा, अपने ही बेटे की कर दी हत्या। कहते हैं इश्क अंधा होता है, यह कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या इश्क इतना हद तक अंधा होता है? हकीकत जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खबर सुपौल जिला के राघोपुर थाना क्षेत्र के धर्मपट्टी NH 57 के पास की, जहाँ हरिनारायण यादव ने अपने ही बेटे किशन यादव को हथौड़े से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। जब राघोपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो बताया जाता है कि मृतक व्यक्ति माकर गड़िया वार्ड 15 पंचायत जिला डुमरी थाना सरायगढ़ भटिया ही की है। जब मीडिया मृतक के घर पर पहुंचा तो परिवार वालों ने कहा कि हरिनारायण यादव अपने ही बहू से अवैध संबंध रखता था, जिसको लेकर कई बार घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसी कारण हरिनारायण यादव ने अपने बेटे की हत्या कर दी है। वहीं मृतक के छोटे भाई की पत्नी कविता देवी ने बड़े खुलासे किए हैं, जिससे किशन यादव की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। देखिए इस रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया। क्या नाम हुआ आपका? पति का नाम? और ये कौन सा गांव है? माकरगढ़िया। जो डेड जो किया, जिसको मारा गया, वो कौन लगेगा आपका? मैसूर लगेगा। क्या नाम हुआ? क्या नाम है उसका? नाम नहीं है। किशन यादव। अच्छा, कैसे घटना हुआ है इसके साथ, सो बताइए तो। मारे के वजह की भय सके जैसे बता। मारे के वजह 2 साल से घर में नहीं रह दे छे। या 2 साल से घर में किया परिवार लो नहीं जा दे छे। किया हम यहाँ सब देखलिए ना, तो हम बैठेलिए पंचायती पंचायती बैठेलिए, तो पंच में कहल के की हमर ससुर से हम ओकरा से बियाह के कलाब में। अच्छा, महिला सूद बियाह के कलाब में छै, से कहल के चल गेल। अच्छा, चल गेले तो वो दोनों का संबंध बनल छे। अच्छा, वही खातिर एकरा नहीं जा दे छे घर। अच्छा अच्छा, बुझल। हां, वही कारण मार देल के 5 दिन रात को 12 बजे रात को हम पकड़न छी। अच्छा, महिला का संबंध छे वहा ले के आ कल मेल भेले घर जा एक रात गेले वहा से अथी के मार देल के बुझल के एकरा मार देबे खेला खत्म भ जेते तब बहु बन जेते हम। अच्छा, जे महिला को किशन यादव के जे पत्नी छे वो अपना ससुर से मतलब संबंध बनल छोकरा गलत। हां, 2 साल से। अच्छा अच्छा, ठीक, समझ गए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सतीश कुमार पांडे। आप क्या हैं? मुखिया हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष। मुखिया संघ के शाहपुर प्रतिपत्ति। ये जो घटना हुआ है गाड़िया NH 57 के बगल में जी। और किस प्रकार की घटना है, आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, रात में मेरा पंचायत तो पड़ता नहीं, बगल में पड़ता है, तो रात में जैसे ही फोन किया कि यहाँ पे एक्सीडेंट किया, हम लोग पहुंचे वहाँ पे, वहाँ से फिर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में इलाज पति का इनके पिताजी का जो डेथ किया तो डेथ कर गया यही पे घटनास्थल पे ही, वहाँ पे चार हुआ। यहाँ घटनास्थल पे भी आए बड़ा, हम लोग भी पहुंचे घटनास्थल पे, बगल में एक हथौड़ी भी मिला, खोजे फिर बड़ा को दे दिए। रात में मामला ये था कि एक्सीडेंटल मामला था, एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग को पता था, लेकिन सुबह में जब लाश को लाया गया पोस्टमार्टम करा के, तो फिर घर पे कनाकनी बिन-बिन होने लगा कि इसका मर्डर किया गया इनके पिताजी के द्वारा। हम लोगों ने जब यहाँ के राघोपुर थाना अध्यक्ष से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट है, और आप कह रहे हैं रात में एक्सीडेंट ही हुआ था। हम लोग को भी सब आदमी को यही मालूम था कि एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, जो जो मारा है उसका नाम क्या है, बता सकते हैं? जो मारा उसका कृष्णा नाम है। मारने वाला व्यक्ति कौन है? उनके पिताजी हरिनारायण यादव का नाम। अच्छा, मारने का कोई खास वजह? खास वजह इतना तो डिटेल में नहीं बता सकता। क्या कर, मतलब क्या मतलब परिवार के वालों की तरफ से क्या आश्वासन इसको देना चाहते हैं? इसका जो सही न्याय इनको मिलना चाहिए, पति का घटना हुआ है, यही ठीक होगा, प्रशासन से उम्मीद करते हैं। ठीक होगा। क्या नाम हुआ आपका? कैसे बोलिए? नीतू देवी। पति का नाम? ये जो डेट किए हैं अभी का पति है? अच्छा, कैसे घटना हुआ सो बताइए तो। दुकान पे रहते सिंगाई में? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ,
तो दुकान पे लेके दुकान पे से आया तब मरा है। दुकान पे से इसको मोटरसाइकिल पर बैठा कर सिमराई में दुकान है। अच्छा उसको बैठा कौन लाया बैठा के? आपका ससुर जी। अच्छा लाया घर पे उसके घर पे नहीं लाया। तब कुदरे मरा क्या मारने का कोई वजह? कोई ना कोई वजह होगा कि आपका ये पति है। क्या नाम हुआ क्या नाम था पति का आपका? किशन यादव। और आपका ससुर का क्या नाम है? हरिंदर यादव। घर कहाँ गाड़िया हुआ? माकर गाड़िया। वार्ड नंबर कितना आई? 15 है। पंचायत कौन सा पड़ता है? सापुर पृथ्वी पटेल जिला डुमरी पंचायत। अच्छा उधरे मार दिया था धर्म काटा। अच्छा यहाँ आपके पति यहाँ से मतलब गए थे उसके बाद मतलब दुकान पे दुकान से लाया था। मोबाइल पे फोन आया था। क्या को लड़का है आपको? दो ठो लड़का लड़की भी है। दो गो लड़का क्या साल का होगा? दोनों लड़का क्या साल का? एगो 4 साल का एगो 2.5 साल का है। और कल जो है 7 तारीख को शाम को मतलब आपके साथ मतलब आपका पति मारा गया है। किस चीज से मारा गया पता है? हथौड़ी से मारा गया है। सर पे मारा है। अच्छा तो क्या प्रशासन से क्या कुछ चाहते हैं आप? क्या मांग करते हैं? मेरा बेटा। अच्छा थाना को आप बताए थे? थाना को आवेदन नहीं दिए हैं? कौन थाना बुलाया था? कौन कौन थाना आया था? राघोपुर आया था कि सड़े घर आया था? ये नहीं पता है। चल ठीक है।